दोस्तों लकी प्रॉपर्टी के साथ बहुत ही अच्छी लोकेशन लेके आया हूँ। सामने की तरफ देखोगे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर नीचे की तरफ अगर जो रोड देखोगे पूरी पक्के रास्ते आपको मिल जाते हैं। और जहाँ पे आया हूँ इस कॉलोनी के बारे में पहले भी मैंने बताया था, पर इस बार हम बिल्कुल अपडेट देने वाले हैं इस कॉलोनी का, क्योंकि जो काम पिछली बार हो रहे थे कितना यहाँ पे डेवलपमेंट चलता है, कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट होता है, लकी प्रॉपर्टी जो बोलती है क्या वो रियल में करके देती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के सवाल होते हैं कि हम किसके साथ जुड़ रहे हैं, किससे ज़मीन ले रहे हैं, क्या वो बिल्डर सही है, क्या वो बिल्डर आपको सच में मकान बना के देता है, क्या वो बिल्डर अपनी कॉलोनी का ध्यान रखता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको पुरानी कॉलोनी की पूरी नई जानकारी मिलने वाली है। ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको, एक महीने पहले जब मैंने इसकी कॉलोनी की वीडियो बनाई थी तो काफ़ी चीज़ें बदल गई है। और लक्ष्मीया क्या हालचाल है, क्या भैया? बहुत बढ़िया सचिन भाई, थोड़ा सा घूम रहा था क्योंकि एक महीने पहले जो हमने वीडियो बनाई थी ना सचिन भाई, अपने भाइयों बहनों को बताना चाहेंगे हम लोग। अच्छा, जब जो है ना इस पर काम चल रहा था, आपने भी देखा था, लेकिन आज ये रेडी हो चुका है, ये बेसमेंट बनाए नीचे। अच्छा, अब उसने मालिक ने बताया कि भाई साहब एक मंजिल और ऊपर बनाना है मुझको। अच्छा, तो मैं देखने के लिए आया था कि पिलर किस तरीके से खड़े होंगे, क्योंकि हमने पिलर भी दिया, आप देख सकते हैं ये कम से कम जो है पांच पिलर ले रखे हैं हमने। पांच पिलर? हाँ, क्योंकि ये है कि भाई साहब अगर कोई भाई बहन मेरा पैसे दे रहा है ना, तो उसी तरीके से हम लोग जो है ना काम करके दे रहे हैं। अच्छा, अपने भाई बहनों को ये चीज है कि मतलब कंस्ट्रक्शन लोग ना हाँ, बढ़िया करके दे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मटेरियल भी हमारा एक नंबर का मटेरियल पाएगा, और मटेरियल भी ऐसा करवा रखा है मजदूरों से जिससे कि खराब ना हो या बिखरे ना कहीं को। ये चीज देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे खुद भैया आके देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर काम कैसा चल रहा है। आप लोग जब अपना मकान देते हो तो एक जिम्मेदारी आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी बनाने वाले के ऊपर या बिल्डर के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आपका मकान एकदम मजबूत बने और आपके भरोसे की तरफ। जी जी, तो जिसे भरोसा बना रहे। तो नमस्कार दोस्तों, अपने साथ लकी भैया है और आप देख रहे हैं यारामार्ट होम यूट्यूब चैनल। और लकी प्रॉपर्टीज पे आप लोगों को मिलता है दिल्ली के पास में सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज, कम रेट पे और सबसे ज्यादा भरोसेमंद। तो भैया कौन सी लोकेशन रहने वाली है दोबारा बताइए? भैया ये हमारी लोकेशन होने वाली है मेन खजूरी पुस्ता रोड, आगे आके जो है राम पार्क पड़ता है, वहाँ पे अपना ऑफिस है। और जो हमारी जो साइड होने वाली है नेशनल हाईवे से मात्र 500 मीटर की दूरी पे होने वाली है। अच्छा, मात्र जो घनी बसावट में है, बिल्कुल बिजली की, पानी की, बच्चों के लिए स्कूल वगैरह, स्टेडियम वगैरह सब कुछ आसपास में होने वाले हैं। देखो कॉलोनी सब दिखाते हैं सचिन भाई, बिल्कुल, लेकिन लकी प्रॉपर्टीज रियल में वो चीज दिखाते जो हमारे पास में है, जो अपने पास है, क्या काम हुआ है, क्या काम होता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हमने रेगुलर वीडियो बनाई है और रेगुलर अपडेट आपको यही मिलता है कि पिछली बार जो दीवार रह रही थी वो इस बार खड़ी हो चुकी है। जो मकान आधा रहता वो पूरा बन चुका है। और जैसे कि आप सामने तरफ भी देखोगे तो भैया ये कितने गज का काम चल रहा है? भैया ये हमारा 50 गज का टुकड़ा है, ये 50 गज का प्लॉट हम लोग बना के दे रहे हैं उसको। ये नीचे से जो इसकी डीपीसी वगैरह तैयार हो गए, ऊपर मिस्त्री लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारी कॉलोनी में ट्रांजेक्शन चलता रहता है, लगातार काम चलता रहता है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो प्लॉट खाली नहीं देना है हमारे भाई बहनों को, उसको बना के भी देना है। मकान मिलने वाला है। किसी को जमीन चाहिए तो जमीन तो दोगे? जमीन भी देंगे, अगर कोई भाई बहन मेरा इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्वेस्ट करने का भी मजा है यहाँ पे। तो इन्वेस्ट करने का मजा तो है, पर मैं एक चीज देख रहा हूँ, लोग एसी वगैरह लगाना शुरू कर दे रहे हैं। जी जी भैया, यानी बिजली की सुविधा अच्छी हो गई है भैया? अगर यहाँ पे 20 से 22 घंटे बिजली आ रही तो एसी तो लोग लगवाएंगे। अच्छा, 20 से 22 घंटे बिजली, तो मतलब लोड वगैरह कैसे ले रहे हैं? ट्रांसफार्मर वगैरह का कुछ सिस्टम अपना यहाँ खुद का है? वो सर खुद का है हमारा, ट्रांसफार्मर हमने रखवा रखा है अलग से, बड़ा ट्रांसफार्मर है जिससे कि अगर कोई बंदा अपना एसी भी लगवा रहा है जिससे कि ट्रांसफार्मर को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अगर प्रॉब्लम होगी तो लकी प्रॉपर्टीज यहीं बैठी है आपके पास, तो मतलब कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है तो हम करवा के देंगे उसको। जी, और ये सामने की तरफ जो पूरा दिखाई दे रहा है फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया, हाँ जी, ये यहाँ से कितनी दूरी पे? ये भाई साहब यहाँ से जो है हमारी 200 से 300 मीटर की दूरी पे होने वाली है, जो की जो फैक्ट्री एरिया है। अब देखो लकी प्रॉपर्टीज वो चीज एक लेके आ रही है अपनी कॉलोनी, वहाँ पे डेवलप करते हैं हम लोग जहाँ रोजगार के साथ में हो। अगर कोई आदमी यहाँ पे मकान बना रहा है ना भाई साहब, तो आने जाने का उसका कन्वेंस 4 से 5 हजार रुपए जो लगता है वो घर के बगल में हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या होगी। अच्छा, हाँ जी, तो ये चीज यहाँ पे ये चीज होती है। बाकी इधर आसपास में अगर मैं देख रहा हूँ, जी भैया, बसावत तो अच्छी खासी तो यहाँ पे, हाँ देख सकते हैं आप, बसावत देखो आप कैसी बसावत है हमारी, इसी बसावत के बीचों बीच हम अपनी जो है अपने भाइयों बहनों को प्लॉट देने वाले। अच्छा जी जी, तो मतलब अगर इस कॉलोनी में किसी को ले रहा है कम से कम क्या साइज मिल जाएगा? यहाँ पे हमारे पास में जो है 25 गज से लेके 25, 30, 40, 50 जितनी मेरे भाई बहनों को रिक्वायरमेंट है, 100, 200, 500 उतना अब मेरा भाई बहन ले सकता है, वो भी 4 साल की ब्याज मुक्त आसान किस्तों पे। क्या बात है, तो कम से कम गली वगैरह के साइज क्या शुरू हो जाएगा? गली हमारे पास में 10, 12, 15, 17, 18, 20, 25। अच्छा, जितना मेरा भाई बहन लेना चाहते हैं उतनी मिलेगी। तो यानी जिस गली में लेना चाहते जिस गली में लेना चाहते हैं उस गली में मिलेगी जी, और जिस अपना जो है हाईवे के पास में लेना चाहता है तो हाईवे के पास में देंगे। ठीक है, मतलब इससे अलग हमारे पास में और भी साइड है, 4 से 5 साइड है जो लकी प्रॉपर्टीज आपको जहां पसंद आएगा वहां प्लॉट देगी।
ठीक है, तो आसपास में भैया और चीजें देखते हैं, क्योंकि ये तो पूरी गली सोसाइटी दिखाई दे रही है, एकदम अच्छी खासी बनी हुई है। अब बाजारों का देखते हैं जी, तो कितनी दूरी पे रहने वाला बाजार वगैरह हमारे पास में जो है 200 से 300 मीटर की दूरी पे होने वाला है, जो कि लेडीज आराम से जाएगी थैला लेके और अपना सामान लेके साग सब्जी लेके अपना डेली वेज घर आएगी। ठीक है जी। और प्लस सचिन भाई हमारे पास में जो रेलवे स्टेशन जी बिल्कुल पास में ही है, हमारी कॉलोनी से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे तो रेलवे स्टेशन है। कौन सा रेलवे स्टेशन रहेगा? ये खरखरी के नाम से रहेगा। ₹5 तो दिल्ली पहुंचो, ₹5 में दिल्ली, पुरानी दिल्ली पहुंचो भाई, ₹5 में पुरानी दिल्ली नई दिल्ली पहुंचो, खरखरी रेलवे स्टेशन। और मेट्रो वगैरह मांगते हैं हमारे लोग जी जी। मेट्रो स्टेशन हमारा जो है कॉलोनी से मात्र जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। अच्छा। अगर लक्की प्रॉपर्टीज 2 किलोमीटर बता रही है तो 2 ही किलोमीटर पे मिलेगा, 1.5 पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हम जो है ना वही चीज लेके चलते हैं जो लक्की प्रॉपर्टीज पे जो मेरा भाई बहन आता है वो ट्रस्ट करके वीडियो देख के तब आता है, जिससे कि यहाँ आने के बाद मौजूदा वही चीज मिले जो हम बता रहे हैं आपको। बिल्कुल, जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वही चीज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल रही है, वही चीज आपको एक्चुअल जब आप आते हो साइट पे आते हो तो वही चीज ये देखने को भी मिलती है। आने जाने की सुविधा की बात हो रही है तो ई रिक्शा वगैरह की क्या सुविधा रहेगी अपने? ई रिक्शा वगैरह की देखो साइड की सुविधाएं हमारी ये रहेगी भाई साहब, ई रिक्शा वगैरह, ऑटो वगैरह, और हमारा जो नेशनल जो हाईवे है यहाँ पे DTC बस भी चल रही है सचिन भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बच्चा यहाँ से अपनी कॉलोनी से बैग टांग के पैदल स्कूल चला जाएगा, इतनी नजदीकों पे अपने स्कूल है यहाँ पे। तो कितने स्कूल होंगे आसपास? यहाँ स्कूल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि CPC है, CRC है, ग्लोबल है, ये बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पे, सरकारी भी है प्राइवेट भी है। तो मतलब मल्टीपल स्कूल की सुविधा आपको यहाँ मिल जाती है, बस वगैरह की सुविधा है? बस वगैरह की सुविधा है, रेलवे स्टेशन की है, मेट्रो स्टेशन की है, आने जाने की सुविधाएं हैं, मार्केट बाजार पास में ही है, तो सारी सुविधाएं आसपास में होने वाली है। कॉलोनी आप देख सकते हैं भरी हुई कॉलोनी है, तो सारी चीज आसपास में मिलने वाली है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कॉल करना है आप लोगों को, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, पर अगर आप रजिस्ट्री मोटेशन के बारे में जानना चाहते हैं हमारे भाइयों को ये भी बता दीजिए एक बार कि रजिस्ट्री कितने पे हो जाएगी मोटेशन, और जैसे कुछ भाई होते हैं कि इनके पास कैश नहीं होता एक बार में जमीन लेने के लिए, तो उनके लिए क्या सुविधा होगी अपने लोग? देखो उनके लिए सचिन भाई ये सुविधा होगी, अगर कोई भाई बहन मेरे पास से जो है ना प्लॉट ले रहा है ना, उसका मेरे पास में जो है 50% जमा कर दे, और 50% पे ही हम लोग जो है उसकी रजिस्ट्री करा देते हैं, और रजिस्ट्री कराने के बाद जो हमारा 50% बचता है उसको आप जो है 4 साल की ब्याज मुक्त किस्तों पे दे सकते हैं। जी। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैं 50% पे आपको कब्जा दे रहा हूँ, 50% पे ही लक्की प्रॉपर्टीज आपको कब्जा दे के चल रही है, ठीक है ना, और अपना मकान बनाओ रहते हुए देते रहना, जहाँ आप किराया 4-5 हज़ार रुपये दे रहे हो तो लक्की प्रॉपर्टीज का टारगेट है वहाँ 4-5 हज़ार रुपये ना देके 50% पे कब्जा लेके मकान बना के 4-5 हज़ार रुपये लक्की प्रॉपर्टी पे जमा करो। यानी किरायादार बहुत बन लिए आप लोग, अब बारी है मकान मालिक बनने, मकान मालिक बनने की। तो मकान मालिक बनिए, अपने मकान के मालिक बनिए, जिससे कल को कोई आपको अपने मकान से ना निकाल सके कि भैया रेंट नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो रेंट नहीं आया, कल को किसी मेरे भाई पर ब्याज नहीं हो पाता और किस देने का कोई दिक्कत आ जाती, हेल्थ इशू हो जाती, अगर वो पैसे नहीं दे पाता जी, तो क्या सपोर्ट रहेगा? अगर देखो ये रहेगा हमारा सपोर्ट, तो फुल सपोर्ट रहता है, 100% हम अपने भाइयों बहनों को सपोर्ट करके चलते हैं जी। सपोर्ट हमारा ये रहता है, अगर कोई भाई बहन मेरा किसी महीने उस पर किस्त नहीं है, प्लीज फोन करके आप जो है ऑफिस पे बोल सकते हैं कि भैया इस महीने किस्त नहीं आएगी, अगले महीने आपकी जो है किस्त आ जाएगी, उस पर ना तो कोई लेट पेनल्टी होगी ना ब्याज होगा किसी प्रकार का, जो आपका हमारा कमिटमेंट हो जाएगा वही आपका हमारा सौदा रहेगा लास्ट तक। तो अभी क्या करना है, कुछ जानकारी रह रही है या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, या उससे बेहतरीन ऑप्शन रहेगा नीचे एक नंबर आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली आप लोग भैया से बात कर सकते हो या ऑफिस में किसी से भी बात हो सकती है आपकी। तो सचिन भाई ऐसे होता है कि जैसे हम लोग जो है ना वीडियो बनाते हैं, प्रॉपर वीडियो इतनी बड़ी नहीं बना सकते, किसी भाई बहन के पास में इतना टाइम नहीं होता जो प्रॉपर वीडियो देख सके। तो अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो प्लीज एक बार जो है हमारे जो है कॉल करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए और शेयर करिए भाई साहब। तो हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।